उत्तर प्रदेश प्रेस कॉन्फ्रेंस में चल रही सभी गतिविधियों को आगे बढ़ाते हुए हम निवेदन करेंगे, तालियां बजाते रहेंगे। इसी क्रम में परस्पर माल्यार्पण अनिल वाजपेयी जी के द्वारा हमारे राष्ट्रीय सचिव जी का किया जा रहा है, आदित्य मिश्रा जी का, आप लोग तालियां बजाएं। बहुत सुंदर और तालियां। इसी के साथ में हम आदित्य मिश्रा जी से भी निवेदन करेंगे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विजय शुक्ला जी का माल्यार्पण कर उनका सम्मान करें। विजय शुक्ला जी का माल्यार्पण करो। विजय शुक्ला जी हमारे सुनील जी का माल्यार्पण करें। बहुत धन्यवाद, आप ताली बजाते रहिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शासन सभी का माल्यार्पण करें। राष्ट्रीय अध्यक्ष शासन बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वाह, तालियां बजाते रहिए। आइए आइए आइए, नंद किशोर शर्मा जी का माल्यार्पण जो गारियावास से बता रहे हैं आदित्य मिश्रा जी के द्वारा किया जा अवश्य करेगा, और मनोज मिश्रा कानपुर नगर अध्यक्ष के द्वारा किया जा रहा है। उसके पदाधिकारियों का कर्मशा अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण संस्था ब्राह्मण नगर इकाई जो है ये विश्व के 22 देशों में चलती है और भारत की सबसे बड़ी ब्राह्मण संस्था है, और उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश सरकार से ब्राह्मण कल्याण बोर्ड के गठन की मांग हमारी संस्था कर रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश में अभी 2 करोड़ ब्राह्मण हैं, इसमें से करीब करीब 1 करोड़ ब्राह्मण उत्तर प्रदेश से बाहर रहते हैं। उनकी मूलभूत बहुत सारी समस्याएं, 50 लाख लोग महाराष्ट्र, गुजरात और अदर अदर स्टेट में जॉब करते हैं, जिनके बहुत सारे इशूज़ हैं जो ना तो गवर्नमेंट तक पहुंचते हैं और ना उनका कभी मतलब समाधान होता है। जैसे कि ब्राह्मण हैं, भारत के अंदर जितने भी मंदिर अभी चल रहे हैं, समझिए गुजरात में 1 लाख मंदिर या पूरे भारत में 1 लाख मंदिर, तो उसमें 2 मंदिर, एक मंदिर में 3 पुजारी होते हैं तो 2 पुजारी का ही वेतन मिलता है, 1 पुजारी को सेवा ही देनी रहती है, क्योंकि जो ट्रस्टी लोग हैं वो 2 पुजारी हर समय चाहिए। एक आदमी तभी कर्मकांड करने जा सकता है जब 2 यहाँ उपस्थित हैं। तो हम चाहते हैं कि ये सारे सिस्टमों में थोड़ा बदलाव आए। संस्था के लिए कुछ सर 1972 से संस्था चल रही है, इसका उद्देश्य मैं आपको दे देता हूँ। इसके अलावा ये जिले वाइज कमेटी बना करके काम करती है, इसका हर जिले वाइज 15 सूत्री कार्यक्रम होता है और इसके 62 प्रपोस्ट हैं, अलग अलग 62 विंग हैं जो विंग वाइज काम करता है। जैसे उसमें विधि प्रकोष्ठ अलग से है, मीडिया प्रकोष्ठ अलग से है, डॉक्टरों के लिए अलग से प्रकोष्ठ है, वैज्ञानिकों के लिए अलग से प्रकोष्ठ है, महिलाओं के लिए 2 प्रकोष्ठ अलग से हैं, ऐसे 62 प्रकोष्ठ हैं। कृषि के लिए भी हम लोग काम करते हैं, जो दलित कुचले ब्राह्मण हैं उनके लिए भी कुछ सहयोग है आपके अंतर्राष्ट्रीय संस्था से? जी, हमारी संस्था जो लोग एकदम गरीब हैं उनको रहने और खाने की मुफ्त व्यवस्था देती है मुख्यालय में। हाँ, उनको वहाँ जाके रहना पड़ेगा। कितने जगहों पर क्या व्यवस्था दे रहे हैं? ये अभी अमरकंटक में है, और अमरकंटक में हमारे लोगों की जो खाने की व्यवस्था है ना, जितने भी अमरकंटक में यात्रा करने भारत से जितने लोग आते हैं, सिर्फ ऐसा नहीं सिर्फ ब्राह्मण, जितने लोग यात्रा करने के लिए आते हैं उन सबको हम लोग शाम को भोजन कराते हैं। ऐसा नहीं सिर्फ ब्राह्मण, पूरे भारत से जितने लोग भी नर्मदा लोग रहेंगे तो उनकी व्यवस्था आप करेंगे? हम लोग कर रहे हैं, मतलब 72 से कर रहे हैं। जो लोग हाँ जो लोग आज भी नर्मदा यात्रा में आते हैं अमरकंटक अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंस्थान, उनको शाम को रहने और खाने की व्यवस्था निःशुल्क करते हैं। ऐसा नहीं एक दो, जितने भी आते हैं। और कोई सवाल है? संस्था को लेकर
जी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके अलावा हमारे यहाँ मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन में आपको क्या मतलब कुछ जुबानी के हैं कहे हैं? लिखित दिए हैं और उसमें जो है ब्राह्मण कल्याण की मांग की गई है। सब बट गए लिखित में क्या लिखित में ब्राह्मण कल्याण बोर्ड की मांग की गई है, जिसमें 15 सूत्री कार्यक्रम है जो एक वन बाई वन है हमारा। तो जैसे ही मतलब ब्राह्मणों के लिए बना है कि सबके लिए बना है? जी अभी तो ब्राह्मण कल्याण बोर्ड की मांग कर रहे हैं अभी भाई साहब, उसके बाद में जो है कैसे होता है। अब देखिए हम लोग आस पड़ोस में रहते, सब लोग रहते हैं, तो अगर वो ब्राह्मण नहीं भी हुआ और उसको कोई दिक्कत परेशानी होती है तो नहीं सुनते हैं वो, कुछ में जाता है भाई साहब। आप लोग व्यवस्था कर रहे हैं सब लोग, चंदा लगा के एक हिसाब से कर रहे होंगे जी? अब भाई सरकार के द्वारा तो अभी हम लोगों को कोई फंड या कुछ भी ऐसा नहीं मिल रहा है। संस्था को फंड मिलता माना जाता है, संस्था को एनजीओ को फंड मिलता नहीं, उस तरह से वैसा वही नहीं मतलब हो रहा है जिस तरह से हम लोग काम करना चाहते हैं कि और इसको मतलब बढ़ावा देना चाहते हैं। देखिए समुचित चीज में जिस तरह से काम करना चाहते हैं